बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद दानिश बीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पीरोवाल के साथ ही 79 मोड़ पर, जहाँ पर शाहद हुसैन जोया का एक बिज़नेस उन्होंने छोटा सा शुरू किया हुआ है, जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग जो है वो आते हैं और बिज़नेस के मुतल्लिक जो डिस्कस होती है वो उनसे करते हैं, मशवरा लेते हैं। अगर आप में से भी कोई आना चाहे तो ये पीरोवाल के बिल्कुल पास ही है 79 मोड़, उससे वहाँ आकर किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि शाहद हुसैन जोया किधर रहते हैं, तो आप इधर आकर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी सहूलियात मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको वो बताते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे शाहद हुसैन जोया, हर इतवार को आप लोगों को बिज़नेस के मुतल्लिक, अगर आप पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं या कोई भी छोटा मोटा कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, 20,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जितने का भी आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसी वाले से आपको गाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री गाइड किया जाता है यहाँ पर। और जो तरीकाकार होता है, आपने एक मिसाल के तौर पर आपने कोई एक कारोबार शुरू करना है साबुन का, तो आपको मुकम्मल तरीका उसका बनाने का, चलाने का, पैकिंग का, इन्होंने इधर मशीनें लगाई हुई हैं, बेहतरीन स्टाफ रखा हुआ है, आपको मुकम्मल अखलाक के साथ वो तमाम चीज़ें जो बनाकर वो भी दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे भी, ताकि आप अपने घर में वो छोटी मोटी जो मशीनें होती हैं वो लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सके और अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमा सके। तो लॉकडाउन का भी जो सिलसिला है वो आगे फिर एक दफ़ा ऐलान कर दिया है हुकूमत ने, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं जहाँ पर वो छोटी छोटी इन्होंने मशीनें रखी हुई हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये इधर साबुन बनाई जा रही है। सबसे पहले वहाँ पर मिक्सचर तैयार किया जाता है, तो मिक्सचर के बाद इसको ये छोटे छोटे दानों में तकरीबन हो जाती है। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं इस तरह ये एक दाने बन जाते हैं। उसके बाद इसको इस मशीन में डाला जाता है, इस मशीन से ये आगे इस तरह निकलती है ये। तो जब ये इस शक्ल में निकल आती है तो इसके बाद उसकी कटाई की जाती है साबुन के साइज़ के हिसाब से। तो आगे आ जाए तो ये मशीन लगी हुई है, इस मशीन के अंदर ये पंच किया जाता है, मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए जाते हैं, जिस तरह कोई चौरस होगी, गोल होगी, जिस तरह की भी साबुन का डिज़ाइन हो वो एक पंच होता है, उसके अंदर रखकर उसको पंच किया जाता है। इसी तरह आगे आ जाए तो ये मुख्तलिफ साबुन जो है ये इन्होंने बना कर रखी हुई हैं सैम्पल के तौर पर, ये आबद भाई दिखा सकें तो ये पंच है जिसके मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, और ये इससे साबुन के ये देख सकते हैं आप कोई किस शेप की है, कोई किस शेप की है। तो इधर ये पैकिंग भी की जाती है इसकी। उसके अलावा आगे आ जाए तो ये एक मिक्सचर मशीन है, इसके अंदर भी कुछ मिक्स किया जाता है। तो ये भी एक मशीन है किसी चीज़ की, आई थिंक कोई सरफ बनाने की है, जिसमें सरफ का जो मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं इधर इन्होंने पैक कर रखा हुआ है सरफ, और ये है जी सरफ का जो मिक्सचर होता है इसके अंदर डाला जाता है, और इसके अंदर से ये छोटी पैकिंग जो 10 वाली पैकिंग होती है, 20 वाली जो भी होती है, वो इसके अंदर से पैक होकर आगे पेटियों में वो खुद बंद करते हैं। इसी तरह आगे आ जाए तो ये भी एक इन्होंने मशीन रखी हुई है, ये देखें इधर सरफ वगैरह सारा कुछ, ये भी छोटी यानी कह लें कि छोटी छोटी मशीनें आप अपने घर में लगा कर, ये तकरीबन साबुन बनाने वाली मशीन है, ये तकरीबन 1-2 लाख के अंदर आपका जो सेटअप है मुकम्मल हो जाता है। तो शाह साहब इधर बैठे होते हैं हर इतवार को, वो आपको मुकम्मल प्रोसेस, कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे आगे सेल करना है, यानी कि बिज़नेस का आप कर सकते हैं अपने घर में बैठ कर, मुकम्मल एक तरीका। आप इधर इतवार वाले दिन आएँ, बिल्कुल फ्री आपको वो कर दिखाएंगे, सिखाएंगे, चीज़ बना कर दिखाएंगे। इसी तरह आगे आ जाएं तो इधर को आबद भाई दिखाएंगे, इन्होंने सेल करने के लिए मशीन्स भी रखी हुई हैं, ये देखें जी मुकम्मल सेटअप है इनका, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो भी ख़रीद सकता है। इसी तरह वो देख लें, ये तमाम मशीनें जो हैं वो इधर लगाई हुई हैं। इसी तरह हम आपको अंदर का भी विज़िट करवाएंगे, अंदर शाह साहब के पास इस टाइम मीटिंग चल रही है, बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं, वो बिज़नेस के वाले से डिस्कस कर रहे हैं, अपने कारोबार के वाले से उनसे पूछ रहे हैं। तो आप भी आइए और पूछिए कि किस तरह हम एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, लॉकडाउन में घर में बैठ कर कौन सा कारोबार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार आपने शुरू करना हो इसके वाले से आपको बताते हैं। इसके अलावा वो एक यूट्यूबर भी थे, यूट्यूब से ही उन्होंने ये सारा आगे सिस्टम शुरू किया, यूट्यूब पर भी उनकी जो वीडियो वो आप देखेंगे तो वो बिज़नेस के मुतल्लिक ही होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।